Dear students, good morning. Welcome in my online lecture of System Analysis and Design. Students, in today's lecture, we will study about the system selection plan and proposal prototyping. In previous lecture,

सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज दैट आर नीडेड फॉर इम्प्लान्ट सिस्टम ठीक है सिस्टम सिलेक्शन का मतलब है कि वेरियस ची हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को और सर्विसेज को सेलेक्ट कर सेलेक्ट करना जो कि किसी सिस्टम को प्लांट करने के लिए ज़रूरी है यानी कि सिस्टम बनाने के लिए जो ज़रूरत के लिए सिस्टम बनाने के लिए जो जरूरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या सर्विसेज हैं उनको करना सिस्टम सिलेक्शन कहलाता है या सेलेक्ट करना सिस्टम सेलेक्शन कहलाता है क्लियर? सपोज़ मान लीजिए कोई हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं ठीक है कोई भी सिस्टम जैसे मान लीजिए अपना मकान ही बनाने जा रहे हैं ठीक है अपना घर बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या सिस्टम उसके लिए सिस्टम सिलेक्शन प्लान क्या होगा उसके लिए सिस्टम सिलेक्शन प्लान ये होगा जब मकान बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले जगह कहाँ मकान बनाएंगे फिर उसके लिए मटेरियल कहाँ से हम उसके जो रॉ मटेरियल है उसे इकट्ठा करेंगे कौन सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा उसे बनाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब उसका आर्किटेक्चर वगैरह जो भी होगा हार्डवेयर बनाने के लिए जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे वो ह्यूमन पावर वगैरह ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना वो हमारा सिस्टम सिलेक्शन प्लान कहलाएगा उस घर बनाने के लिए इसी तरीके से जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं उससे पहले उसके जो नीडेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सर्विसेज हैं उन्हें हम जब सेलेक्ट करते हैं वो प्रोसेस हमारा कहलाता है सिस्टम सिलेक्शन प्लान बिफोर द सिस्टम सिलेक्शन कैन बी डन सिस्टम सिलेक्शन डन किया जाता है उससे पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो द कैपेबलिटीज़ ऑफ़ रिक्वायर्ड प्रपोजल सिस्टम जब सिस्टम हम सेलेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या सर्विस सिस्टम की तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा प्रपोजल सिस्टम है यानी कि जो सिस्टम हम बनाने वाले हैं उसे क्या क्या कैपेबलिटीज़ की ज़रूरत है उसकी कैपेबलिटी क्या है क्या क्षमता है उसी के आधार पर हम उसके हार्डवेयर को उसके सॉफ्टवेयर को और सर्विसेज को हम सेलेक्ट करेंगे द वॉल्यूम टू बी प्रोसेस्ड नीड टू नो और ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो प्रोसेस हम करेंगे उसका वॉल्यूम क्या है किस वॉल्यूम के आधार पर हम अपने हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर या सर्विसेज जो उस सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, उसे कैसे हम सेलेक्ट करेंगे द लेवल ऑफ कंपिटेंस ऑफ द इस्टाफ शुड भी असस्ड और जो इस्टाफ का लेवल है कॉम्पिटेंस का वो असिस्ड होना चाहिए इट शुड इंक्लूड द करंट रिक्वायरमेंट और उसके अंदर जो करंट रिक्वायरमेंट है यानी कि वर्तमान ज़रूरतें हैं वो भी इंक्लूड होनी चाहिए एंड वाट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सिस्टम और ये भी होना चाहिए कि जब हम सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे तब क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें सिस्टम सिलेक्शन करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल वन में नीड टू हैव मोर स्टोरेज इफ द वॉल्यूम ट्रांजेक्शन गोज़ अप एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करें तो हम कह सकते हैं मान लीजिए जैसे हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है अपने सिस्टम के लिए तो हम क्या करेंगे उसके जो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम है उसे बढ़ाएंगे ठीक है ऊपर की तरफ ले जाएंगे कंसिड्रेशन लाइक कैपेबिलिटी जैसे के, उसकी कैपेबिलिटी क्या है इंटरफेसिंग क्या है इसको भी कंसिडर करना चाहिए और ये सारी चीज़ें क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए कि जो भी सिस्टम हम तैयार करने वाले हैं उसकी कंपेटिबलिटी क्या है और इंटरफेसिंग क्या है अपग्रेडिबिलिटी शुड आल्सो स्पेसिफाइड सच एज न्यू प्रोसेस और जो कोई नया प्रोसेस हमारा होगा उसकी अपग्रेडेशन या अपग्रेडिबिलिटी भी हमारी इंक्लूड होनी चाहिए सिस्टम सेलेक्शन प्लान में आफ्टर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर अंडरस्टूड जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट हम समझ लेते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर सिस्टम टू बी एक्वायर्ड प्रिपेयर तो जो सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारा एक्वायर प्रिपेयर्ड होना चाहिए एक्वायर्ड होना चाहिए और प्रिपेयर होना चाहिए दीज आर यूज टू प्रिपेयर ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और ये सारी चीज़ें क्यों प्रिपेयर की जाती हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रपोजल मतलब किस सिस्टम के लिए हम बनाने जा रहे हैं उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम रिक्वेस्ट ये सारी चीज़ें कहलाती हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी प्रपोजल के आधार पर सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं जैसे हम शॉर्ट में कहते हैं द आर एफ़ पी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इज़ सेंड टू द देंडर फ्रॉम द बैंडर डेटाबेस जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो बैंडर्स को सेंड की जाती है बैंडर के डेटाबेस पर ठीक है जो भी सिस्टम बनना है वो किस प्रपोजल पर बनना है तो बैंडर से ही मांगा जाता है जैसे मान लीजिए वो क्या चाहते हैं जो बैंडर्स हैं सिस्टम के रिगार्डिंग और इट यूज टू एडवर्टाइज फॉर बिट फ्रॉम बेंडर्स एडवर के लिए भी हमें सेलेक्ट करना होता है किस बेंडर को हम एडवरटाइज के लिए उस सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं द आर एफ पी शुड क्लियरली कंटेंट आर एफ पी जो होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होती हैं कंटेंट वो देखते हैं कम्प्लीट सिस्टम स्पेसिफिकेशन होगा इसमें जो कंटेंट किया जाएगा यानी सिस्टम का पूर्ण रूप पूर्ण स्पेसिफिकेशन मतलब सिस्टम क्या है क्यों बना रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसके सिस्टम कौन कौन से इसके सर्विसेज कौन कौन सी इसमें यूज़ की गई हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कॉस्ट क्या है, है? इसकी सारी चीज़ें हमारी स्पेसिफ़िकेशन क्लियरली कंटेंट होना चाहिए किसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में रिलेटेड प्राइस टर्म टाइम फ्रेम फॉर डिलीवरी एट्सेट्रा और आर में ये भी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कौन कौन सी उस पर्टिकुलर सिस्टम या प्रोडक्ट जो भी हम दे रहे हैं उसका रिलेटेड प्राइस टर्म्स टाइम फ्रेम फॉर डिलीवरी कब तक ये डिलीवर हो पाएगा ये सारी चीज़ें हमारे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि इसी में इंक्लूड होना चाहिए देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम अदर सर्विसेज फ्रॉम बैंडर फॉर एनी ऑफ दिस टू बी स्पेसिफिक एज ए पार्ट ऑफ द बिड और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग या बेंडर के रिगार्डिंग वो भी हमारी स्पेसिफाई होने चाहिए और एन इंक्वायरी टू नो द अवेलेबिलिटी एंड प्राइस और किसी जो सिस्टम के थ्रू हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी और प्राइस की का भी इंक्वायरी हम उस आरएफपी आर एफ पी के द्वारा कर सकें ये भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें वारंटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशंस क्या वारंटी उसकी क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी लिमिटेशंस को भी डिफाइन करना चाहिए सर्विस एग्रीमेंट्स एंड पेनल्टी क्लाज क्लाजिज़ इफ़ एनी अगर कोई सर्विस का एग्रीमेंट और पेनल्टी के रिगार्डिंग कोई क्लॉज है वो भी हमारा आर के अंदर इंक्लूड होना चाहिए बेंडर इन्फॉमेसन रिक्वायर्ड सच एज रेफरेंस साइट बैंडर की जो इन्फॉमेसन है जैसे रेफरेंस साइट है कोई वो भी इंक्लूड होनी चाहिए लोकेशन ऑफ सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर की लोकेशन स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस स्टाफ सर्विस स्टाफ की स्ट्रेंथ भी इंक्लूड होनी चाहिए फाइनेंशियल सर्विस ऑफ बेंडर बेंडर की फाइनेंशियल सर्विस भी इंक्लूड होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें हमने जो बताई वो हमारे आर यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में इंक्लूड होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं प्रपोजल प्रोटोटाइपिंग की कि प्रोटोटाइपिंग एनालिसिस में क्या होती है तो सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ प्रोटोटाइपिंग इन एनालिसिस प्रोटोटाइपिंग इज ए मीन दैट इज़ बीग इंक्रीजिंगली यूज टू गैदर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम यूजर प्रोटोटाइपिंग क्या है यूजर के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको स्पेसिफाई करना और इकट्ठा करना ये प्रोटोटाइपिंग कहलाती है एनालिसिस में ठीक है दिस इज़ फाउंड यूजफुल इन ए नंबर ऑफ सिचुएस और ये जो प्रोटोटाइपिंग है वो कई सिचुएशंस पर हमारे लिए लाभदायक हो सकती है जैसे कि वेयर द यूजर इज अनेबल टू आर्टिकुलेट द रिक्वायरमेंट जहाँ यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट को आर्टिकुलेट करने के लिए अनेबल होता है वहाँ हमारी प्रोटोटाइपिंग काम आती है यूज़र कैन नाट यूज़लाइज द सिस्टम ही वान्स और यूजल यूजर सिस्टम को व्यूजल नहीं कर पा रहा है जैसा वो चाहता है वहाँ पर हमारी ये प्रोटोटाइपिंग काम आती है इस्पेशली न्यू यूज़र हु हैव नो आइडिया ऑफ वाट इस सिस्टम कोड लुक लाइक इस्पेशली नए यूजर के लिए कोई सिस्टम से नया यूज़र जुड़ा है उसे ये नहीं मालूम हमारा सिस्टम किस तरीके का किस तरीके से वर्क करता उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटोटाइपिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वैन द एन्वायरमेंट इज़ न्यू एंड नॉट फुली अंडरस्टूड बाई द यूज़र और एनालिस्ट ये तब काम हो लाभदायक है हमारी प्रोटोटाइपिंग जब हमारे एनालिस्ट को या नए यूजर को हमारे सिस्टम के एन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होता तब ये उसे हेल्प करती है वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व जब कोई रिक्वायरमेंट हमारी इवॉल्व होने के लिए एक्सपेक्टेड होती है तब हम प्रोटोटाइपिंग का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कोई डिसीजन लेना हो सिस्टम के रिगार्डिंग वे द यूजर वांट टू हैव एन आइडिया जिस मतलब यूज़र के आधार पर आइडिया के आधार पर कोई डिसीजन लेना हो द सिस्टम कैन डू कम अप विद द मोर रिक्वायरमेंट और ये भी फिर ये कि सिस्टम आगे क्या करना चाहता क्या है क्या रिक्वायरमेंट है यूज़र के आधार पर आइडिया के आधार पर कोई चेंजेस हम करना चाहें तो ये इसके लिए हमारी प्रोटोटाइपिंग हमें हेल्प करती है देन वेयर द अनसर्टेनिटी इज़ हाई जब हमारी अनसर्ट अनसर्टेनिटी हाई होती है तब हम प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स से जहाँ पर प्रोटोटाइपिंग हमें बहुत ज़्यादा ही सिचुएशंस थी जहाँ पर प्रोटाइपिंग बहुत ज़्यादा ही लाभदायक रहता है तो प्रोटोटाइपिंग का क्या मतलब है यूज़र के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसका स्पेसिफिकेशन इकट्ठा करना ये हमारा प्रोटोटाइपिंग का काम होता है ठीक है और किस किस सिचुएशन में ये काम आता है ये मैंने बताई थी आप डिटेल में से पढ़ लीजिएगा आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही ओके